बल्कि मुहर्रम मनाने वाले खिलाफ जो है ये चार्जशीट है, तो झूठे इल्जाम का एक पुलंदा है जो उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हैं और ऐसे इल्जाम लगाए हैं कि क्रिश्चियन सुन्नी टेंशन भी पैदा हो गया है और हिंदू मुस्लिम भी टेंशन पैदा हो गया है। ऐसे जुमले जो इस्तेमाल किए थे और ऐसी बातें कही है जो कभी हुई नहीं है। और उन्हें ये लिखा है कि ये होता है, हो सकता है नहीं, एक चीज होती है हो सकता है, उन्हें लिखा है कि सब हुआ करता है, होता रहता है, ये सब झूठा इल्जाम होता है। पहले ये लिखा है कि तबर्रा पढ़ा जाता है, जो दोस्तों ने पढ़ा जाता है, आशंका नहीं है बल्कि पढ़ा जाता है। देखिए वो झूठ बोल रहे हैं कि साहब आशंका की बात है, आशंका कह रही है बल्कि उन्हें बताया पढ़ा जाता है, तो ये बहुत गलत बात है। कभी जुलूसों में, मोहर्रम जुलूसों में कभी तबर्रा नहीं पढ़ा गया, क्योंकि हमारे को शोक के जुलूस है, सब के जुलूस है, मातम के जुलूस है, जहाँ तक वहाँ से उसमें मातम होता है, उसमें नोहे पढ़े जाते हैं, कोई किसी को बुरा भला नहीं कहा जाता। ये सबसे बड़ा झूठ है जो DGP साहब ने उसमें बोला है। इसी तरह से और बहुत सी बातें उसमें हैं, इसमें भी ये लिखा है कि साहब वो शिया जो है वो पतंगों के ऊपर तबर्रा लिखते हैं, उसको उड़ाते हैं, हमारे जानवरों पर तबर्रा लिखते हैं, उसको उसको छोड़ देते हैं। आप इतना बड़ी भीड़ है, आपके संज्ञान में कोई कभी ऐसा वाक्य आया है कि पतंगों पर तबर्रा लिखा शियों ने? ऐसा कोई वाक्य आपने कभी सुना कि किसी आवारा जानवर पर तबर्रा लिखा गया हो? इतना बड़ी भीड़ यहाँ के ऊपर संख्या में आप मौजूद है, बताइए कभी आपने सुना? इनको कहाँ से मालूम हो गया, क्या लगता है क्यों हुआ है, कहाँ से यह मालूम हो गया कि तबर्रा गिरी? आशंका नहीं है, एक चीज की आशंका, एक चीज ये कि इनका होता है, यानी शियों को भयानक इल्जाम लगाया है, भयानक इल्जाम लगाया कि होता है ये, और ये किसी के साथ आशंका आशंका हमने एहतियात के तौर पर दिया है, ऐसा नहीं होता है लिखते हैं। उसके बाद अति संवेदनशील है मुहर्रम, इसके मतलब मुहर्रम को आपने झगड़े की जड़ बता दिया, बुनियाद बता दिया, जबकि मुहर्रम शांति पैदा करने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए, जुल्म के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए आप उसको अति संवेदनशील बता रहे हैं। और सबसे भयानक जुमला है, गाली दिए नहीं, मुहर्रम हिंदू मनाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू मनाते हैं मुहर्रम, बहुत बड़ी तादाद में अहले सुन्नत मनाते हैं, पक्षिया मनाते हैं, गाली दिए इन्हीं ने कि धार्मिक जुलूसों और कार्यों में यौन संबंधी घटनाएं होती हैं, धार्मिक जुलूसों में यौन संबंधित घटनाएं होती हैं, यानी रेप होते हैं, जुलूस सड़क जुलूस पर जा रहा है वहां रेप होगा सड़क पर, ये गाली दी है इन्होंने मुहर्रम मनाने वालों को, इसमें हिंदुओं को भी गाली दी उन्होंने, सुन्नियों को भी गाली दी है, शियों को भी गाली दी है। बताओ ऐसा वाकया कौन सा हुआ है कि कोई ऐसा यौन संबंधी घटना हुई हो? होती है इन्हीं का, ये नहीं कि आशंका है, होती है, इसका मतलब उनके संज्ञान में है कि होती है, तो बताओ कब हुई, तो बताओ कब हुई, बहादुर शाह के जफर के जमाने में हुई, जहांगीरों के जमाने में हुई, जिसको तुम आज बयान कर रहे हो। और सबसे खतरनाक जुमला यह है कि गाय का वध होता है इसमें, इसका मतलब आप हिंदू मुस्लिम टकराव चाहते हैं यहाँ के, कि गाय का वध होता है, जुलूसों में गाय का वध होता है सड़क के ऊपर, तो जुलूस घर तो नहीं करता है, सड़क पर नहीं करता है जुलूस, तो जुलूसों में गाय का वध होता है, ये DGP लिख रहे हैं। मैंने कहा कि ये तो ऐसा लगता है, मैंने कहा कि ऐसा लगता है बयान कि ये DGP साहब ने बयान नहीं दिया बल्कि अबूकर बगदादी ने बयान दिया है, ये उसामा बिन लादेन का बयान लग रहा है, क्योंकि यही इल्जाम जो है अलकायदा वाले शियों पर लगाते हैं, यही इल्जाम जो है तालिबान शियों पर लगाते हैं, वही इल्जाम हमारे DGP लगा रहे हैं। लिहाजा ये बहुत गलत बयान है और इसमें बहुत ज़्यादा भ्रम फैलेगा, ये शांति पैदा करने के लिए भी बयान दिया गया है कि बल्कि पूरे हिंदुस्तान में शांति फैलाने के लिए ये बयान दिया गया है, इससे अशांति फैलेगी शिया सुन्नी में भी, हिंदू मुस्लिम में भी। अब योगी जी के ऊपर है कि उसको गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अगर उनकी पॉलिसी के तहत बयान दिया है तो जाहिर है कि वो कोई इसको संज्ञान नहीं लेंगे, ठीक है, उनकी ऐसी पॉलिसी नहीं है तो इसको संज्ञान में ले इसको। मोदी का मोदी ने अभी तक कोई बात नहीं हुई है उनसे, हम बात करें, क्योंकि शाम को हमें मिला ये, सुबह को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है, लिहाजा हम इसको बात करेंगे कि भाई इस सिलसिले में उनकी क्या पॉलिसी है, कि क्या वो भी यही चाहते हैं जो BJP चाहते हैं, तो बहुत बिल्कुल अलग बात है बिल्कुल। और हम मोदी जी तक भी पहुँचाएंगे, अमित शाह जी तक पहुँचाएंगे। देखिए अजीब बात यह है कि सियासी जलसों में, पॉलिटिकल जलसों में 50,000 का मजमा हो जाता है, लेकिन धार्मिक जलसों में कहते 5,000, तो इसका मतलब है कोविड जो है वो सियासी लोगों से दूर भागता है, धार्मिक लोगों को हमला करता है।
की कौनसी पॉलिसी है ये समझ में। मुहर्रम के लिए इसमें गाइडलाइन क्या है? मुहर्रम के लिए गाइडलाइन तो है नहीं, इसमें सिर्फ गालियाँ हैं। और मुहर्रम की गाइडलाइन हमें मालूम है, इन्होंने कहा कि वो हम ये चाहते हैं कि जो पिछले साल जिस तरह से हुआ है उसी तरह से इस साल भी हो। पिछले साल जो है वो ताज़िया रखने की इजाज़त दी गई थी, इस साल भी ताज़िया फरोख्त करने की और रखने की इजाज़त दी जाए। और उसके अलावा ये कि वो एक और दो आदमियों को इजाज़त थी कि ताज़िया लें, क्योंकि जुलूस मना है, एक आदमी दो आदमियों का निकलना मना नहीं है। तो और ताज़िया जो हमारे यहाँ दफ्न होता है आशूर के दिन, वो एक या दो आदमी घर के लोग होते हैं उसको ले जाते, कोई सर पर करके ले जाता है, कोई रक्षे पर जा रहा है वो ले जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी पर ले जा रहा है, तो उसको तो जुलूस नहीं कहा जाएगा। तो उसको ना रोका जाए, हमारा डिमांड होगी कि अगर इक्का दुक्का लोग ताज़िए अपने घर के लिए जा रहे हैं तो उनको जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो जाकर वहाँ दफ्त कर देंगे वहाँ के ऊपर। जुलूस कोई नहीं होगा, हमसे ज़्यादा कोविड की पाबंदी करने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े लीडर पाबंदी नहीं कर रहे हैं मगर हम पाबंदी कर रहे हैं। मौलाना, क्या आज़ादी के 74 साल में सरकार द्वारा इस तरह की कभी कोई गाइडलाइन जारी हुई? कभी नहीं है, ऐसे जुमले आज तक मुहर्रम के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए, अंग्रेजों ने इस्तेमाल नहीं किए। जो हमारे दुश्मन है जो इस तरह की गाइडलाइन जो 74 साल में जारी नहीं हुई वो आज इस तरह की गाइडलाइन जो है वो जारी की। अब यही हमको मालूम करना है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो इसका मतलब है कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए, शिया सुन्नी फसाद हो जाए, अगर उनकी पॉलिसी ये नहीं है तो इसके खिलाफ उनको कार्रवाई करना चाहिए। इनकी कार्रवाई से पता चल जाएगा कि उनकी पॉलिसीज की हिमायत में है या उनकी पॉलिसी की मुखालफत में। माना साहब, ये हर साल 12 मार्च पे जब कुछ लोग जुलूस तबर्रा निकालने की मांग करते हैं या बड़े से जो विवादास्पद है जुलूस है उसके निकालने की मांग करते हैं, उसमें कई बार विवादास्पद बातें भी की जाती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो एक साहब हैं कि जो गवर्नमेंट के बहुत करीब हैं वही निकालते हैं तो इसका मतलब है वो भी उन्हीं की गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत निकालते हैं और वो जुलूस तबर्रा नहीं होता है, जुलूस मजे साहबा का नाम उसको देते हैं। नहीं, कुछ लोग रिलीज आती है उसमें जुलूस तबर्रा भी लिखा होता है। नहीं, गलत है, जुलूस तबर्रा नहीं होता है, जुलूस मजे साहबा, क्योंकि वो कहते हैं इनको मजे साहबा की इजाज़त दी गई तो हमें भी मजे साहबा की इजाज़त दी जाए। तो जुलूस मजे साहबा अगर कोई तबर्रा का नाम उसको देता है तो गलत देता है, और वो भी अगर देता है तो यकीनन वो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस का कोई एजेंट है वो जो